विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जांपल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स रूट फाइव प्लस वन इक्वल जीरो। एक वन है दिया है, दूसरा दिया है एक्स टू द पावर ऑफ टेन माइनस पी टू दी पी इंटू एक्स टू द पावर ऑफ फाइव माइनस वन इक्वल जीरो। यहाँ पर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पर पी का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन दोनों यूज करके हम पी का वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो फर्स्ट वन ले लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर रूट फाइव प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशंस को दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ तो x से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तब यहाँ पर क्या बनेगा, x बनेगा ओनली रिमेनिंग, यहाँ पर टू रूट फाइव रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वन बाई एक्स रहेगा, दिस इक्वल जीरो। अभी एक x और वन बाई एक्स साथ में लिख लेंगे, x प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा। ये माइनस नेगेटिव टू रूट फाइव है, राइट साइड में लेंगे तभी ये पॉजिटिव टू रूट फाइव बनेगा, ओके। तो ये बन गया इक्वेशन वन। यहाँ पर जो भी बनते इक्वेशन वो नोट डाउन कर लेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू स्क्वेयर रूट फाइव, ये इक्वेशन वन, ठीक है। इस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन ले लो, तो एक्स टू द पावर ऑफ टेन माइनस पी टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ फाइव माइनस वन इज इक्वल टू जीरो गिवन है। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ एक्स टू द पावर ऑफ फाइव ये निकालेंगे, पहले एक्स टू द पावर ऑफ फाइव से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तब यहाँ पर क्या बनते हैं, अगर क्वेश्चन रूल यूज किया इधर तो ये बनता है एक्स टू द पावर ऑफ फाइव रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर पी ओनली, ये दोनों कट हो जाएगा, पी रिमेनिंग रहेगा माइनस वन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ फाइव रहेगा, दिस इक्वल जीरो। अभी हमें एक्स टू द पावर ऑफ फाइव को इसके साथ जोड़ी करेंगे, एक्स टू द पावर ऑफ फाइव माइनस एक्स टू द पावर ऑफ फाइव, ये नेगेटिव पी है राइट साइड में लो, तो ये बनते हैं पॉजिटिव पी। तो हमें ध्यान दो, अभी हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू फाइंड करना है हमें। इसका मतलब हमें फाइंड करना है एक्स टू द पावर ऑफ फाइव माइनस वन बाई एक्स टू द पावर ऑफ फाइव। तो इसे हम इक्वेशन टू लिख लेंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, x टू द पावर ऑफ फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ फाइव इज इक्वल टू पी, ये इक्वेशन टू हो गया। हमें फाइंड आउट करना है इसका पी, फाइंड आउट करना है इसका मतलब x टू द पावर ऑफ फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ फाइव वैल्यू क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आने के लिए हमें क्या चाहिए, ये यूज करेंगे इसे, इससे एक्स प्लस वन बाई एक्स को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वेयर कर दो, सॉरी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो और यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा ये, तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, ठीक है। तो इक्वल्स ये आ जाएगा, तो ये यहाँ पर एक्स इज ये और बी इज वन एक्स समझ लो, तो ये बनते हैं, ये क्या बन रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल्स टू रूट फाइव, मीन्स टू का स्क्वेयर फोर होता है, फाइव का स्क्वेयर रूट फाइव का होल स्क्वेयर, ये दोनों चले गया तो फाइव बनते हैं यानी ट्वेंटी बनता है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फोर फाइव सर ट्वेंटी और ये टू ये साइड में लो तो माइनस टू बनते हैं, देन एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एटीन, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एटीन। थर्ड क्वेश्चन देखो, हमें फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर फाइव। हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर और एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर है हमारे पास, तो अभी हमारे को एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब अगर आया हमने निकाला तो इसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू रूट फाइव है,
लेकिन हमारे पास एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू नहीं है। एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर कर दो, इसका क्या आता है ए माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स, सॉरी। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन टू थ्री, तो क्या इतना आता है 18 आता है, ए एक्स ए वन बाई एक्स निकल गया तो ये माइनस टू रहेगा, तो यहाँ पर ये आ रहा है 16, यानी एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर इसे हम दोनों तरफ से अगर स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि हमें एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू चाहिए, तब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस आर माइनस, यहाँ पर हमें मिलेगा 4। यानी एक्स माइनस वन बाई एक्स एक बार प्लस में मिल रहे हैं और एक्स माइनस वन बाई एक्स एक बार नेगेटिव 4 मिल रहा है, ये दोनों हमें मिल गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स प्लस आर माइनस 4 ही लिख लेंगे। ठीक है, अभी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 18 है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब ये जो मिला है इसको क्यूबिंग करेंगे हम। वैन एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस 4, और यहाँ पर वैन एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, ये दोनों लेंगे, दोनों लेके हम सॉल्व करने का ये करेंगे, तो अलग अलग क्या आता है देखेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ क्यूबिंग करो, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तब ये बनते हैं एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4 होल क्यूब। ठीक है, तो हमें मालूम है ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स ए माइनस बी, तभी यहाँ पर बनेगा एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स इंटू वन बाई एक्स टाइम्स एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4 क्यूब मीन्स 64 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब भी चाहिए माइनस 3 एज इज वेल, ये एक्स गया ये वन बाई एक्स गया, तो इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स मीन्स फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर हमने लिखा है एक्स माइनस वन बाई एक्स इज 4, यहाँ पर एक्स माइनस वन बाई एक्स 4 लिया तो यहाँ पर 4 लिख रख लो, दिस इक्वल 64, तो ये बनते हैं एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 12 इक्वल टू 64। अगर दोनों तरफ प्लस 12 किया यहाँ पर भी तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू हमें मिलेगा इक्वल 76। एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 76। ठीक है, वेन एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स 4, अभी वेन एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल माइनस 4 अगर रहा तो ये भी क्यूबिंग करो, क्यूबिंग बोथ साइड्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स होल क्यूब इक्वल्स नेगेटिव 4 होल क्यूब, ये 4 है, तब ये एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वन बाई एक्स ए इंटू बी की जैसा है, एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव 64, माइनस 4 होल क्यूब मीन्स नेगेटिव 64, ये दोनों कट हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स माइनस वन बाई एक्स मीन्स 4 है, नेगेटिव 4 है, नेगेटिव 4 लो, तो ये माइनस 64 या जिस, तो ये बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 12 बनते हैं, दिस इक्वल्स नेगेटिव 64। यहाँ पर 12 राइट साइड में लो और नहीं तो इसमें माइनस कर दो, यहाँ पर भी माइनस कर दो 12 में, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 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 76 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव 76 आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ लो। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब एक बार प्लस 76 आ रहा है, एक बार माइनस 76 आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम आसानी से
यहाँ तक पी तक, ये पी वैल्यू में निकालना है हमें, तो इस इक्वेशन तक हम आसानी से पहुँच जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर, इक्वेशन थ्री क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इंटू, इक्वेशन फोर क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इज 18 है, 18 लेंगे इंटू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब 76 है, यहाँ पर 76 लेंगे। ठीक है, तभी यहाँ पर क्या कर दो, बटरफ्लाई मेथड से इसको एक बार इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको एक बार इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, वन बाई एक्स स्क्वायर से इसको एक बार, वन बाई एक्स स्क्वायर से इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब तो एक्स टू द पावर 5 बनते हैं, और यहाँ पर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन बाई एक्स क्यूब बनते हैं, और यहाँ पर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बनते हैं, और यहाँ पर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 बनते हैं। दिस इक्वल्स 18 को मैं 20 माइनस 2 करता हूँ, ठीक है, तो इंटू 76 या जीरो, तो 20 माइनस 2 मीन्स 18 ही बनते हैं। तो अभी ये एक्स टू द पावर 5 और माइनस वन वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 एक जगह कर लेंगे। अभी यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मीन्स एक ही एक्स रहेगा, यहाँ पर माइनस वन बाई एक्स रिमेनिंग रहेगा, तो ये बनाए तो ब्रैकेट कर लो, तो यहाँ पर 20 इंटू 76 टू सिक्स 12 कैरी 1 टू सेवन जर 14 और 15 और ये जीरो या जीरो माइनस 276 टू सिक्स जर 12 कैरी 1 टू फोर जर 14 और 15 152 1520 में 152 अगर माइनस किया तो यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स क्या का वैल्यू क्या पकड़ेंगे हम, सबसे पहले 4 प्लस 4 एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस ऑफ 4 समझ लो, पॉजिटिव 4 समझ लो, दिस इक्वल्स 1520 में अगर 152 अगर माइनस किया तो 10 में 2 गए तो 8 आता है, तो यहाँ पर 1 रहेगा, 11 में 5 गए तो 6 आते हैं, 4 में 1 गया तो 3 और ये 1368 आ जाते हैं। तो 1368 आने के बाद यहाँ पर क्या कर दो, ये पॉजिटिव 4 वो साइड में लो, और नहीं तो यहाँ पर भी माइनस कर दो दोनों तरफ, 4 माइनस किया तो हमें मिलेगा एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1368 में माइनस 4 गया तो 1364। ये हमें एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू मिला। तो ये पी है, एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 पी है। तो ये प्लस लेने के बाद मिला, अभी यहाँ पर नेगेटिव लेने के बाद क्या मिलता है वो देखेंगे। यहाँ पर ले लेंगे आंसर, भी यहाँ पर रख लेंगे अनकथा इज इक्वल टू 1364। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेंगे, बाद में हम आंसर फाइनल में रखेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 76 का यानी फिफ्थ। ओके, तो क्या क्या है इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड इज एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर टाइम्स, फिफ्थ इज एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, थर्ड इज इक्वेशन 18 है इसका वैल्यू, और एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब इज माइनस 76 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बटरफ्लाई मेथड से ये मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब मीन एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स क्यूब मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 दिस इक्वल्स, और 18 को माइनस 76 का अगर किया तो ये भी 20 माइनस 2 कर दो टाइम्स माइनस 76 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ पर ये एक्स टू द पावर 5 ये माइनस वन बाई एक्स टू द पावर 5 लिख लेंगे इधर, इसका जोड़ी करेंगे, और यहाँ पर प्लस एक्स और माइनस वन बाई एक्स का जोड़ी करेंगे, तो ये दिस इक्वल्स 20 माइनस 2 इंटू माइनस 76 मिलता है, माइनस 76 से
20 को एक बार माइनस मल्टीप्लिकेशन किया तो जो भी आता है नेगेटिव आते हैं, 2 6 12 कैरी 1 2 7 यानी 1520 माइनस आते हैं, 1520 नेगेटिव, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो यहाँ पर 152 आ जाएगा। इन दोनों का मैं नेगेटिव 2 × -26 मीन्स पॉजिटिव 152। अभी नेक्स्ट यहाँ पर x माइनस 1/x का वैल्यू, यहाँ पर प्लस 4 एक बार लिया है, अभी नेगेटिव 4 लेंगे इसमें इसका वैल्यू, तभी ये बनते हैं x^5 माइनस 1/x^5 प्लस ऑफ माइनस 4 दिस इक्वल्स। इन दोनों का ये किया तो नेगेटिव टाइम्स कितना आते हैं, 10 में 2 गया तो 8 और 11 में 5 गया तो 6 और 14 में 1 गया तो 13। ये माइनस 4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मैं नेगेटिव 76 कब आ रहे हैं, नेगेटिव 4 एक्स माइनस 1/x रहे तो नेगेटिव 4 रहे तो नेगेटिव 76 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव 4 लिया। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये नेगेटिव 4 निकालने के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव 4 कर दो, यहाँ पर प्लस 4 कर दो, तो ये दोनों कट हो जाएगा, हमें मिलेगा x^5 माइनस 1/x^5 इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स 1364। ये नेगेटिव में मिला, ये पॉजिटिव में मिला, हमें पता है p इक्वल्स x^5 माइनस 1/x^5, हमें x^5 माइनस 1/x^5 दो वैल्यू मिला हमें, लेकिन इसका इक्वल्स है p, इसलिए हमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p का वैल्यू हम अभी रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर लेंगे, एक x^5 माइनस 1/x^5 इज इक्वल टू नेगेटिव 1364। क्या है p इक्वल्स, क्या मिला है फ्रॉम इक्वेशन 2, p इक्वल्स x^5 माइनस 1/x^5। ओके, देन p इक्वल्स x^5 माइनस 1/x^5 माइनस, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इसका मतलब प्लस आर माइनस 1364 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी p इक्वल्स प्लस 1364, p इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स 1364 रखने के बजाय मैं क्या किया, एक ही बार लिख किया प्लस आर माइनस 1364। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय नेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।